प्यारों, जब इस गांव में हम आए, इस गांव वासियों रहने वाला इस इनका जीवन का शैली देख रहे, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये बोलो स्वयं बनाने वाला घर है। ये घर में जितनी सारी मटेरियल यूज़ किया गया, देखिए ये बम्बू से बनाया वाला चटाई की तरह दीवार है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। ऊपर देखिए बम्बू और बल्ली से लो घर बनाया, इसको एक रुपया खर्च नहीं है। स्वयं वो लोग जा रहे हैं, कट करते, लेके आते। वो लोग कैसे जी रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए इधर देखिए, सब जॉइंट फैमिली है, सब बढ़िया से वो लोग काम करते हैं, इतना खुशी से उधर रहते हैं। जो लोग आफ्टरनून उनके लिए खाना को तैयार कर रहे हैं। अगर आप अंदर आकर देखेंगे, यहाँ भी उनका सोने का बेड है, पलंग है। देखिए उनका करंट सिस्टम, देखिए सोलर सिस्टम में लाइट जलता है। इधर उनका बेडरूम का सिस्टम देखिए, अगर आप बाहर जाएंगे उनके लिए सब कुछ है। इधर आके देखने से देखिए, और एक रूम में हम लोग आए, यहाँ और एक कुछ लोग इधर मच्छी तैयार कर रहे हैं। तो ये जॉइंट फैमिली देखकर कितना अच्छा लगता है, सब मिलजुल कर रहे थे। जब कोई पार्टी होता है वो लोग कितना खुशियाँ मनाते हैं। अगर हम बाहर जाएंगे, और एक टीम इधर आके देखिए, इधर आके क्लीनिंग कर रहे हैं। ओके, सो देखिए, जब पुराना जमाने में लोग थे, कितना मिल चुके रहते थे। थोड़ा जरा से सोच के देखिए, उनका किचन, उनका बेडरूम, वो लोग का जिंदगी का शैली देखने में बहुत बढ़िया लगता है। चलिए मैं जैसे आगे जाते, इधर देखिए उनका लिविंग रूम है। इधर भी इधर अगर आते, इधर कुछ भाई लोग मिल के रहते हैं, अंदर जाके देते। इधर देखिए ये लोग रहने वाला लिविंग रूम है, और ये उनका मेन हॉल है। यहाँ भी लोग मिलजुल कर रहते हैं। आप देखेंगे ये जंगल के अंदर भी उनका टीवी की सुविधा है, करंट है। देखिए ये लोग भाई लोग मिलजुल कर रहे, दो बेडरूम की फैसिलिटीज हैं। इधर आके देखिए, इधर एक बेडरूम है, आप देख सकता है इधर एक बेडरूम है। इनका खास बात यही है, एक रुपया खर्च नहीं होता। अपना मेहनत से ये लोग ये घर को बनाकर कितना खुशियां मनाते हैं। चलिए हम बाहर आकर कुछ देते हैं, ये लोग कैसे यहाँ जी रहे हैं। इधर आइए, अपने लिए इनका कभी अंडा का जरूरत पड़ता है, अंडा का जरूरत पड़ता है तो मुर्गा मुर्गी पूरा ये लोग पालते हैं। मुर्गी का घर है, जहाँ इधर लोग आकर हमें देते नेचुरल अंडा। इधर कुछ आज लगता है कि कुछ खास दिन है इस लोगों के लिए। सो यहाँ का भाई लोग सब मिल के रहते हैं। क्या भाई लोग आज कुछ खास दिन है क्या? अच्छा, आप लोग सब मिलकर कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जब उनका घर में कुछ स्पेशल फंक्शन हो रहा है ना, ये लोग सब एकत्रित होते हैं, जमा होते हैं। इनका कुछ स्पेशल डे है आज, सो एक साथ मिलकर खाना तैयार हो रहे हैं। और अब इधर देख सकता है, अगर ये देखेंगे, यहाँ बकरा है, बकरा के लिए अलग शेड है। इनको खाना तैयार करने के लिए फायरवुड अलग से रखा है। और देखिए यहाँ फल के लिए केला तैयार है। अगर हम इस बगीचे आगे जाएं, बहुत कुछ हमें मिलेंगे। सो ये गांव में आकर ये सब देखने बाद कैसे लगता है? जो कुछ प्रभु हमें देना चाहिए सब दिया ना, कितना अच्छा लगता है। अगर हम परमेश्वर दिया वाला नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ मिलकर हम रहते, घर बनाते, खाना खाते, बिना कोई कर से कितना अच्छे से जिंदगी जीते होंगे। आज साल बदल गए, टेक्नोलॉजी आए, हम सारा पुराना इतिहास को भूल गए, जिसके कारण क्या होता है, निराश होता है। उनका पास बड़ा घर है, उनका पास गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है। सो इस गाँव में आकर इस घर देखने के बाद मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। जो कुछ हमें मिली है उसमें खुश रहिए। हमें मिला वाला छोटा घर, हमें मिला वाला छोटा रिश्ता, हमें मिला वाला छोटा जॉब, छोटी फैसिलिटीज बस है, लेकिन उसी में अगर खुश रह सकता है, आप धन्य हैं। आपको जो कुछ मिलना है मिल चुका है, उसकी बढ़िया एग्जाम्पल है इतना बढ़िया प्यारा ये गांवों में आकर मिला वाला ये घर। गॉड ब्लेस यू।